हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश धवन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि आपको आपकी कंपनी का कोई अगर नाम रखना है तो वो कैसे रखा जाए, क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने हैं, क्या क्या बातें आपको कंसिडर करनी है। अगर आप कोई भी कंपनी का अपना नाम रखने जा रहे हो, कोई भी काम शुरू करने जा रहे हो या कोई भी अपना एक ब्रांड नेम अगर आप रखना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर वन, अगर आप अपने ब्रांड को या अपनी कंपनी को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले आपको ये देखना है कि उसका जो है डोमेन मार्केट में, यानी डोमेन इंटरनेट डिजिटल दुनिया में अवेलेबल है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई नेम जो है फाइनल कर लिया, फाइनल करने के बाद जब आप वेबसाइट बनाने की तरफ गए और आपने देखा कि उसका तो कोई डोमेन ही अवेलेबल नहीं है, ना .com में ना .in में जो सबसे ज़्यादा चलते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी अगर आप कोई भी नाम रखने जाते हैं तो पहले नाम डिसाइड कीजिए। अब इसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं कि आपने नाम सोच लिया और डोमेन आपने बुक करा लिया, नहीं। आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको पहले क्या क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है और लास्ट में क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, कोई भी अगर आप नाम रख रहे हो तो वो कैची और ट्रेंडी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नाम ऐसा होना चाहिए जिसको सुनने में अच्छा लगे और इजीली जिसको प्रोनाउंसिएशन किया जा सके, मतलब नाम इतना भी डिफिकल्ट ना हो कि सारे लोग उसको प्रोनाउंसिएशन ठीक से पुकार भी ना सके, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलेंगे। तो कोई भी ब्रांड नेम या कंपनी नेम रखने जा रहे हैं तो पहली चीज आपको ये रखना है कि नाम थोड़ा इजी हो और थोड़ा कैची हो, जिससे कि हर कोई उसको इजीली बोल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर टू ये है कि अगर आप कोई भी अपना ब्रांड नेम रखने जा रहे हो या कंपनी नेम रखने जा रहे हो तो आपको ये देखना है कि उसका मतलब क्या है। जी हाँ दोस्तों, मतलब होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि आप जो है कोई भी नाम अगर ऐसा रखते हो और बाद में पता चलता है कि उसका मतलब कुछ अच्छा नहीं निकल रहा, तो उस कंडीशन में आपकी कंपनी की वैल्यू आने वाले फ्यूचर में धीरे धीरे डाउन हो जानी शुरू हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कोई कंपनी का नाम अगर रखने जा रहे हो तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है। अब मीनिंग पता करने के लिए आपको बहुत सारी जो है इंटरनेट पर साइट्स मिल जाएंगी, एक ही नाम के जैसे बहुत सारे सिनोनिम जिसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो आप वैसे भी मतलब निकाल के पता कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर थ्री ये है कि आप अगर कोई भी नाम रख रहे हैं तो कोशिश करिए शॉर्ट नेम रखें, और शॉर्ट नेम अगर आप रख रहे हैं तो 6 से 8 लेटर में आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जितना छोटा नाम होगा उतना ज़्यादा लोग उसको याद रख पाते हैं, और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि नाम अगर इजी है, प्रोनंसिएशन करने में किसी को दिक्कत या पुकारने में किसी को दिक्कत नहीं हो रही, तो वो और भी ज़्यादा फेमस होता है, यानी आपका ब्रांड और भी ज़्यादा फेमस होता है। तो अगर मैं कहूँ आपको नाम अगर आप रखने जा रहे हो तो तीसरी बात का भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, आपका ब्रांड नेम जो है या आपका जो कंपनी नेम है, कोशिश करिए कि कोई सिंगल नेम हो जिससे कि आप फ्यूचर में मल्टीपल बिजनेस भी शुरू कर सके। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जांपल हम जैसे गोदरेज की बात करते हैं, अब गोदरेज इतना बड़ा ब्रांड है, अब गोदरेज रियल एस्टेट में भी काम करता है, गोदरेज के होम अप्लायंसेस भी आते हैं और गोदरेज के फर्नीचर भी आते हैं, तो मतलब फ्यूचर में हम सारे जानते हैं कि आज के इस कॉम्पिटिशन के दौर में बिजनेस में स्टेबिलिटी बहुत कम है, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको अगर बिजनेस बदलना पड़े तो क्या आप बार बार नाम बदलेंगे? नहीं ना, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन या लीगल एक्सपेंसेस ना बियर करने पड़े, तो नाम ऐसा रखिए जिससे कि मल्टीपल आप बिजनेस आने वाले भविष्य में शुरू कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे हमने गोदरेज का एग्जांपल दे दी है, आपको अगर एग्जांपल दूं मैं सोनी सैमसंग, अब ये चाहे तो ऐसे नाम है, ये चाहे तो मल्टीपल तरह के काम शुरू कर सकते हैं। अब सोनी का आप देखते हो, सोनी के कैमरे भी आते हैं, सोनी के गैजेट्स भी आते हैं, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन भी है, या अगर मैं एक एग्जांपल दूं जैसे कि डेटॉल का एग्जांपल ले लिया, अब डेटॉल एक ऐसा नाम है
वो कंपनी चाहे तो सिर्फ साबुन या दूसरे जो एफएमसीजी गुड्स है उसके अलावा दूसरी इंडस्ट्री में भी एंटर कर सकते हैं। सपोज करो डेटॉल ने कोई कपड़े का काम करना है, डेटॉल ने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना है, तो डेटॉल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी काम शुरू कर सकता है। तो नाम आपको ऐसा रखना है जिससे कि आप भविष्य में मल्टीपल बिजनेस या अलग अलग तरह के बिजनेस शुरू कर सके बिना नाम को चेंज करें। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। आप जो भी नाम रखने जा रहे हैं, देखिए कोशिश ये करिएगा कि भगवान के नामों पे आप अपनी कंपनी का नाम ना रखिए। देखिए हम सारे जानते हैं, बहुत सारे पुराने ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जो भगवान के नाम पे अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, जैसे कि कृष्णा एंटरप्राइजेस, बालाजी टेलीफिल्म्स, जय माता दी ट्रेडर्स। जी हाँ, बहुत अच्छे नाम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है अब आने वाली जनरेशन चेंज हो रही है तो आपको उनके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा और उन लोगों को क्या पसंद आता है तो आपको उस तरह का कोई ट्रेंडी नाम या कैची नाम रखना पड़ेगा, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं। दोस्तों कभी आपने ध्यान दिया है कि भगवान के नाम हमारे इंडिया में जो है काफ़ी सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और उससे लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा तो नहीं होता। और फॉरेन कंट्रीज़ में कोई ऐसा थोड़ा ना कहता कि जीसस क्राइस्ट एंटरप्राइजेस, जीसस क्राइस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं। तो आपको ये चीज़ भी फोकस करनी है कि आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको गॉड्स के नेम यानी भगवान के नामों में अपना कोई ब्रांड नेम या कंपनी नेम शुरू नहीं करना है। जिनके काम चल रहे हैं वो पुराने चल रहे हैं, अब तो वो चेंज नहीं कर सकते, या अगर वो चेंज नहीं कर सकते तो वो नए ब्रांड से शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर नया बिजनेस शुरू करना है या नया ब्रांड अगर शुरू करना है तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप भगवान के नामों से बिजनेस शुरू मत कीजिए। कोई यूनिक सा नेम रखिए, दुनिया में नामों की कमी थोड़ी ना है, आप ढूंढेंगे एक मिलेंगे आपको हज़ार। आने वाले अभी सेशन में आपको ये भी बताएंगे कि नाम अगर आपको फाइनल करना है, नाम कैसे सर्च करना है, कौन सी वेबसाइट से आप सर्च कर सकते हो, तो आपको वो भी सारा हम यहाँ पर सिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा और लास्ट में जब ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो कर ले तब जाके आप उसका डोमेन नेम आप चेक कर सकते हैं। आप डोमेन के लिए आप गोडेडी में देख सकते हैं, बिग रॉक में देख सकते हैं, और भी बहुत सारी साइट है जहां पे आप डोमेन बुक करा सकते हैं। तो डोमेन बुक कराने के बाद, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद ही आप अपना नाम या ब्रांड कंपनी का रजिस्टर कराइए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें हम आपको ये बताते हैं कि कौन सी ऐसी साइट्स है जिसमें आप अपना लोगो डिज़ाइन भी कर सकते हो, कंपनी नेम भी सर्च कर सकते हो। अगर आप कन्फ्यूज़ हो कि क्या नाम रखूं, कितने लेटर्स को होना चाहिए, मैं कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड अपना नाम रखूं, तो आपको हम उन वेबसाइट्स के बारे में भी बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपको अपना ब्रांड नेम और कंपनी नेम कैसे सेलेक्ट करना है, तो हम सबसे पहले जाते हैं और टाइप करते हैं logaster.com। अब इस साइट के ऊपर होने के बाद आप कोई भी आपका ब्रांड नेम हो, जो भी आपने सोचा हुआ है, सपोज करिए आप कोई भी ब्रांड नेम, अगर मान लीजिए मैं अपना ही नाम लूं अंकुश, मैं इस नाम से कोई ब्रांड नेम देखना चाहता हूं, यहां पे मैंने स्टार्ट बटन दबाया, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए अलग अलग तरह के नाम के लोगो ब्रांड नेम मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आप इस साइट का फायदा उठा सकते हो। आप कोई भी नाम अगर देखना चाहते हो, कोई भी अगर ब्रांड नेम सर्च करना चाहते हो, तो आप इस वेबसाइट की हेल्प ले सकते हो, मदद ले सकते हो, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ एक और साइट है, आप अगर उसमें भी देखना चाहें, उसको हम कहते हैं nuvanim.com। इसमें भी आप तरह तरह के डिफरेंट बिजनेस नेम, ब्रांड नेम अपने जो हैं देख सकते हो। यहाँ पे आप करेंसी के हिसाब से देख सकते हो, ये पेड साइट है, लेकिन इसमें जो है आप एक और चीज कर सकते हो। जैसे कि हमने इसमें देखा करेंसी यूएसडी सेलेक्ट करा, आप यहाँ देख रहे हैं कितने सारे नाम हैं। अब सबसे पहले जो आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका बिजनेस क्या है, उससे रिलेटेड भी आपको नाम मिल जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया 5-6 लेटर्स का आपको ब्रांड नेम आप सेलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट तरह के क्रिएटिव नेम, स्टाइलिश एलिगेंट नेम, तो आपको हर तरह की इसमें ऑप्शन मिल। अब जैसे कि हमने देखा कि 5-6 लेटर्स का नाम हम देखना चाह रहे हैं, तो ये देखिए
तो इसमें अलग अलग तरह के यूनिक और ट्रेंडिंग नेम मिलेंगे, तो आपको जो नाम समझ में आता है अपने ब्रांड से रिलेटेड तो आप वो सर्च कर सकते हो। अगर हम बैक साइड में जाएं और हम देखें, आप कोई स्टाइलिश या एलिगेंट नेम रखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, हर्ट्स फोर्ड एक अच्छा नाम मुझे लगा। तो इसमें आपको अलग अलग तरह के यूनिक नेम मिलेंगे, तो आप इन नामों का भी चयन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें दिखा रहा है zoomic.com, इसमें डॉलर वैल्यू है 2461 रुपए। इतना महंगा डोमेन कौन खरीदेगा? तो आप क्या कर सकते हो कि zoomic जो है आपने नाम सेलेक्ट कर लिया, zoomic के आगे आप कोई भी एडिशनल वर्ड लगा सकते हो, जैसे कि इंडिया लगा सकते हो, ग्लोबल लगा सकते हो, वर्ल्ड लगा सकते हो, तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा नाम का बस आइडिया आपको यहां से मिल जाएगा। आप एज इट इज नाम रखना चाहते हो तो आपको इनकी पेड सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग नया काम है, नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये। तो अंकुश धवन मेरा नाम है, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।